अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी आलू के समोसे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं दो आलू। मैंने दो बड़े आलू लेकर उनको बॉयल कर लिया था और अब मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी, ज़ीरा, धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर। नमक डालूँगी मैं इसमें हसबे ज़ायका, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अब आखिर में इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसको मैश करके मिक्स कर दूंगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया है तो अब मैं इसको साइड में कर दूंगी। इधर मैं बेल रही हूँ छोटी सी रोटी। मैंने मैदे में थोड़ा सा नमक और ज़ीरा मिलाकर इसको गूंद दिया था और अब मैं छोटी सी रोटी बना रही हूँ। इसको बहुत ही पतला पतला बेलना है, लेकिन इतना पतला भी नहीं। बेल देने के बाद अब मैं इसको बीच में से काट रही हूँ और अब जो ये एक हाफ है इसको मैं लेकर कोन के शेप में फोल्ड कर दूंगी, जैसे हम कोन बनाते हैं। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको हल्का सा दबा रही हूँ ताकि ये बंद हो जाए और हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। अब इसको मैं बीच में से खोलकर इसमें आलू का मसाला डाल रही हूँ। मसाला डाल देने के बाद इसको इस तरह से बंद कर देना है और ऐसे ही मैं बाकी सब भी बना लूंगी। यहाँ पे मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर दिए हैं। जो मसाला बच गया है उसको मैं पराठों में यूज़ कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं इन समोसों को फ्राई कर रही हूँ जब तक कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। समोसे तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि इनके दोनों साइड्स पे कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।